अजय शंकर तिवारी जी भी मौजूद है इस वक्त लोक बंधु अस्पताल से। सर आपके पास मैं आऊंगी, बड़ी बात यह है कि लोग डेंगू का नाम सुनकर एकदम से डर जाते हैं। सर जरा बताने की कोशिश कीजिए कि इतनी खतरनाक बीमारी है ये, कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी नमस्कार, देखिए डेंगू हर साल ही होने का है, जुलाई से लेकर नवंबर तक की एक टाइम होता है जब बारिश होती है। इस साल चूंकि अक्टूबर में, सितंबर तक स्थिति बहुत अच्छी थी, अक्टूबर में जब बेमौसम बारिश हुआ और जल भराव की स्थिति हुई, उसके बाद से थोड़ी सी लापरवाही भी हुई होगी लोगों से कि मच्छर आए और उसके वजह से डेंगू का प्रसार हुआ। लेकिन भय ज़्यादा है लोगों में। हमारे अस्पताल में देखा जा रहा है कि थोड़ा सा, चूंकि नॉर्मल रेंज उसमें रिपोर्ट में लिखा रहता है 1.5 लाख से 2.5 लाख प्लेटलेट की, लोग डेंगू में NS1 पॉजिटिव देखते हैं और फिर ये देख रहे हैं कि डेंगू का प्लेटलेट 55,000 हो गया, 60,000 हो गया, वो लोग एकदम भयग्रस्त हो जा रहे हैं और पूरे घर भर के साथ आ जाते हैं हमारे अस्पताल में कि हमको भर्ती कर लीजिए, जबकि ये एक इंडिकेशन नहीं है। प्लेटलेट कम होना, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हम लोग अपील कर रहे हैं कि हम 20,000 प्लेटलेट आवे तो अवेयर हों, उसमें कुछ बचाव करने का ज़रूरत है। डेंगू ऐसी कोई भयावह स्थिति नहीं होगी। डेंगू में जो नॉर्मल 95% केसेस होते हैं वो कुछ भी नहीं होता है, बुखार आता है, हड्डी में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, जी मचलाता है, पेट में थोड़ी सी दर्द होती है और चीज़ों को कमज़ोरी बहुत होती है। इन लक्षणों के साथ आदमी का, व्यक्ति का होता है, सिम्टम आते हैं और उसके बाद से फिर फीवर होता है, धीरे धीरे वो बुखार 7 से 10 दिन। अच्छा, लोगों को अलर्ट कब हो जाना चाहिए जब उसे लगे कि कुछ सिम्टम्स वैसे प्रतीत हो रहे हैं, उसको कब लगना चाहिए कि खतरे की घंटी है, नहीं अब तो बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इसमें निश्चित रूप से जैसे ही फीवर हो, बुखार जैसे ही आवे, तो बुखार आना वो अपने हाथ में नहीं है, मच्छर से बचना अपने हाथ में है। मच्छर से पहले तो बचाव करें। डेंगू का मच्छर स्पेसिफिक होता है कि दिन के समय में भी काटता है, सुबह से शाम में, सुबह और शाम में ज़्यादा उसके उड़ान की शक्ति होती है, उसी समय वो काटता भी है। तो सबसे पहले बचाव करना चाहिए। बचाव तो यही है कि शर्ट, जैसे कि कोविड के समय में हम लोग एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, डेंगू के में भी एक प्रोटोकॉल बना लेना चाहिए कि फुल बांह का कपड़ा, शर्ट पैंट सब चीज़ एक्सपोज्ड पार्ट न रहे जिससे मच्छर को काटने की जगह न मिले। पहले तो मच्छर से बचें, मच्छरों से नियंत्रण भी करना है हमें, छिड़काव, फॉगिंग ये सब होता रहे। लेकिन अगर फिर भी मच्छर कट, चूँकि एक ऐसी चीज़ है जो घरों में गमले हैं, कूलर है, पानी इकट्ठा होता है और ये पानी, साफ पानी में ही इसके अंडे होते हैं, लार्वा वहीं डेवलप होता है, तो हम लोग की भी खुद की घरों में लापरवाही होती है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कूलर बंद करके रख दिया, पानी इकट्ठा रहा और फ्रिज के पीछे वाले हिस्से में, अब तो खैर डिफ्रॉस्ट फ्रिज आ गए हैं, लेकिन पीछे वाले हिस्से में पानी इकट्ठा रहेगा, तो पानी इकट्ठा रहेगा वो घरों में हफ्तों 10 दिन तक 15 दिन तक कोई नहीं साफ करता, उसमें हजारों की संख्या में लार्वा डेवलप रहते हैं। तो ऐसे ऐसी जगहों पे, और ये हमें अपना देखना है कि हफ्ते में एक दिन उस पर, डेंगू पर हम लोग को वार करना ही पड़ेगा और उस सफाई करें। जैसे दिवाली अभी बीते, दिवाली में हम लोगों ने घर को साफ किया है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पानी का इकट्ठा होना और ये सब चीजें डेंगू के एडीज मच्छरों को जन्मता है जी। ये मच्छर जब इंसान को, किसी बच्चे को कहीं भी काटते हैं तो 5 से 10 दिन के अंदर उसमें लक्षण आ जाते हैं, बुखार मतलब 4 से 5 दिनों में समझ में आ जाता है, जो सिम्टम्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो मच्छर जब काटेगा उसके 5 से हफ्ते भर के अंदर बुखार आता है। बुखार आना एक वायरल फीवर में भी होता है जो कॉमन इस समय है, 90% केसेस जो है वो बुखार में। हमारे यहाँ 65 मरीज भर्ती हैं, उसमें 8 मरीज जो है डेंगू के हैं, जो कंफर्म केस IgM पॉजिटिव होता है, एलाइजा टेस्ट हम लोग करते हैं उसी को डेंगू कहते हैं। तो वो पॉजिटिव केसेस हमारे पास 8 केसेस समय है, लेकिन जैसे ही बुखार आवे तो हम ये नहीं समझ पाते हैं घर पे कि वो डेंगू है या चिकनगुनिया है, क्या है, केवल लक्षणों से हम समझ सकते हैं। अगर जोड़ों में भयंकर दर्द है, असहनीय दर्द है, तो हम सोचते हैं चिकनगुनिया की ओर जाएंगे। अच्छा। वरना कि हमारे अस्पताल में हम लोगों ने एक फीवर प्रोफाइल बनाया है, 2 से 3 दिन फिर इंतजार करना होता है और इस बीच में केवल पैरासीटामोल लेना होगा। बहुत सारे डॉक्टरों के भी पर्चे, मेडिकल स्टोर के लोगों का देखा गया है कि पैरासीटामोल के साथ निमोसिलाइड दे देते हैं, ब्रूफेन दे देते हैं, डिस्प्रिन दे देते हैं सिर दर्द होने की वजह से। ऐसा मतलब भूल कर भी ना करें, ये गलती बहुत भयंकर साबित होगी बाद में। इस समय केवल जुलाई से, एक निश्चित बना लें कि जुलाई से नवंबर तक हमें केवल, अगर बुखार होता है, दर्द होता है, तो केवल पैरासीटामोल लेना है, पैरासीटामोल के भरोसे ही हमको रहना है। पैरासीटामोल की गोली, चूंकि कोविड अब हम लोग बीता है और सारे लोगों को पैरासीटामोल के बारे में जानकारी हो गई है, तो घरों में रहता भी है, पैरासीटामोल ले लें, एक दिन दो दिन वेट कर लें, उसके बाद निश्चित रूप से चिकित्सक के पास जाएं और उसको दिखाएं। दूसरे दिन हम लोग टेस्ट करते हैं, कार टेस्ट होता है डेंगू का,
NS1, IgM, IgG. अगर पॉजिटिव होता है प्लेटलेट की गणना हो जाती है, अगर प्लेटलेट कम भी है 50,000 है 60,000 है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। मतलब हमने जैसा पहले भी कहा है कि 15,000-20,000 पर ही एडमिशन का क्राइटेरिया बनता है। या तो सीवियर उल्टी हो रही हो, ऐसा उल्टी हो रहा हो कि कोई भी चीज़ खाना खा रहा है पानी पी रहा है तो वो उल्टी हो जा रही है, तो एक इंडिकेशन ये बनता है कि अस्पताल में भर्ती हो जाना। इन दो के अतिरिक्त घर ज़्यादा बेहतर, सुरक्षित जगह है, दवा लिखवा लें और दवा कंटिन्यूस खाएं। पानी की कमी ना होने पाए, सबसे महत्वपूर्ण है पैरासिटामॉल, एक दूसरा पानी। पानी की कमी ना होने पाए, 1 से 1.5 लीटर ORS जो होता है वो पीते रहें। कई ब्रांड नेम से आता है, सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलता है। घर में शिकंजी बना लें, नमक चीनी और पानी का घोल, 1 से 1.5 लीटर वो पिए और 1 से 1.5 लीटर सादा पानी पिए, तो 2-2.5 लीटर अगर 3 लीटर पानी पीते रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम इससे रिकवरी हो जाती है। डिहाइड्रेशन नहीं हो तो इससे रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसमें जो कि D2 जो वेरियंट है, स्ट्रेन आता है डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम, वो ब्लीडिंग का कारण होता है, वही खतरनाक स्थिति है। बाकी नॉर्मल डेंगू से कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमारे अस्पताल में 8-8, 10-10 हजार वाले प्लेटलेट वाले लोग बिना प्लेटलेट नहीं, यही घबराहट लोगों को और ज्यादा पैनिक कंडीशन में ला रही है। लोग डरे हुए हैं अभी से कि डेंगू फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, और शायद यही वजह है लोगों के बीच डर का, क्योंकि लोग सोचते हैं कि